हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बेहतरीन कमांड बताने जा रहा हूँ। जैसे ये हम मेरा कैरेक्टर है रिग हो चुका है, कुछ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे जॉइंट्स चाहिए, यहाँ पे कंट्रोलर चाहिए इसको मैनिपुलेट करने के लिए, बट हमने लगाया नहीं और हमारा कंप्लीट हो गया है, कैरेक्टर रिग हो चुका है। तो हम उसको कैसे करेंगे, तो वो टिप्स मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा। तो पहले मैं एक जॉइंट स्ट्रक्चर इस तरीके से क्रिएट कर लेता हूँ, जहाँ पर मेरे को चाहिए, जहाँ से मेरे को मूव करना है इस एरिए में, उस तरीके से मैंने इस जॉइंट्स को लगा लिया। देखिए, इस तरीके से हमने एक सेटअप रेडी कर लिया इसका। इतने एरिया मेरे को इन्फ्लुएंस चाहिए इस तरीके से। उसके बाद मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ, जितने भी जॉइंट्स हैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके रीनेम कर लेता हूँ। अब उसके बाद मैं हेड वाले जॉइंट्स के साथ इसको पेरेंट कर देता हूँ, तो एक हायरार्की चेन बन गई इसकी। अब उसके बाद मैं सभी जॉइंट्स को सेलेक्ट करूँगा, स्किन में जाएंगे, एडिट इन्फ्लुएंस इस ऑप्शन बॉक्स में जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए एक हमारा सबसे टॉप में दिया हुआ है ऐड इन्फ्लुएंस। तो ऐड इन्फ्लुएंस के ऑप्शन बॉक्स में जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए मैं वैल्यू को रिसेट कर देता हूँ। तो इस तरीके से कुछ हमारा पैरामीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे वेट लॉक। वेट लॉक क्या करता है, अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा अगर फर्स्ट टाइम आप लोग इस कमांड को यूज़ करेंगे। तो जो हमारा लॉक वेट है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है। जैसे जो मेरी नई जॉइंट्स लगी हुई हैं, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। अगर मैंने लॉक कर दिया है तो इस पर कोई वैल्यू नहीं आएगी। मैं इसको मैनुअल पेंट करके या मैनुअल वर्टेक्स सेलेक्ट करके इस पर वेट को असाइन करूँगा। तो इस कमांड को हमेशा इसी तरीके से यूज़ किया जाता है। अगर मैं लॉक नहीं करूँगा तो ये ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूट कर देगा वेट, तो हमेशा इसको लॉक करके रखते हैं। तो अभी देखिए मैंने लॉक कर दिया और इसकी सेटिंग इस तरीके से रख दी और ऐड कर दिया। अब ये जॉइंट्स जो हो गया, मेरी एक जो हायरार्की जॉइंट्स है, पहले वाली जॉइंट्स, ये उसी का पार्ट हो गया। अब बस इस पे इन्फ्लुएंस ऐड नहीं है। ये देखिए, इस तरीके से मैं जब रोटेट करूँगा तो ये रोटेट होगा। अब इस पर मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके ऐसे इस तरीके से देखिए मेरे सारे जॉइंट्स इसके अंदर आ गए। जो मेरा इन्फ्लुएंस है वेट का, इसके अंदर जॉइंट्स ऐड हो गए। अब मैं पॉलीगन सेलेक्ट करके इस तरीके से ग्रो कर लूँगा और वर्टेक्स मोड में जाके इस पर ऐड इन्फ्लुएंस कर लूँगा। मैं अनलॉक कर लूँगा और सभी पे ऐड कर दूँगा। तो इस पर मेरा वेट जो है ऐड हो गया, इतने एरिए में मेरा जो वेट है वो ऐड हो गया। अब उसके बाद वन बाय वन मैं इस तरीके से वेट को डिस्ट्रीब्यूट करते जाऊँगा और मेरे जितनी जॉइंट्स हैं वर्टेक्स मोड में आके इसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते जाऊँगा। सभी पे मैं वेट को असाइन करते जाऊंगा, जितने जॉइंट्स लगाए हैं उतने पे वेट को ऐड करते जाऊंगा। तो ये देखिए जो मेरा वेट था, अब मैं जॉइंट्स को मूव करूंगा तो ये देखिए मेरा वेट जो है हर एक जॉइंट्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये देखिए ऐसे वर्क कर रहा है इस तरीके से। ये बहुत ही यूज़फुल जो हमारा एडिट इन्फ्लुएंस कमांड होता है, जब हमें कहीं पे ज़रूरत होती है जॉइंट्स की एक्स्ट्रा, जैसे हमने कभी रिक कर लिया, किसी भी कैरेक्टर को रिक कर लिया, अब हमें जॉइंट्स की नीड है उस एरिया में, तो हम लोग इस कमांड के थ्रू जॉइंट्स पे वैल्यू डाल के हम लोग वर्क कर सकते हैं। देखिए मेरे को और भी जॉइंट्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे जॉइंट्स को इंसर्ट करूँगा इस एरिया में और इसके साथ पेरेंट कर दूँगा। इस तरीके से मैं पहले इसकी पोजिशन को सेट कर लूँगा जहाँ पे हमें चाहिए, जहाँ पे हम आपको लगता है कि यहाँ पे मेरे को कंट्रोलर चाहिए, एनिमेट करने के लिए हमें कंट्रोलर्स की ज़रूरत है, वहाँ पे लगा के हम लोग ऐड इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और ऐड इन्फ्लुएंस करूँगा और उसके बाद इस एरिया में मैं वेट को जो है पेंट कर लूँगा। यहाँ पर सेलेक्ट करके इसको अनलॉक करूँगा और उसके बाद ऐड इन्फ्लुएंस कर लूँगा। अब देखिए इसको रोटेट करूँगा या मूव करूँगा तो ये मेरा उस एरिए में जो जितने एरिया में मैंने इन्फ्लुएंस डाल रखा है, ऐड कर रखा है, उतने पे वर्क करना स्टार्ट करेगा। दोस्तों ये बहुत ही यूज़फुल कमांड है, इसको इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू दोस्तों।